नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, यूपी में जो रोजगार मेला यानी कि जॉब फेयर लगने वाला है, उसके बारे में सारी डिटेल बतानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सारी बात करेंगे कि ये मेला किन किन लोगों के लिए है और इसमें कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस समय कोई भी यूपी में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल नहीं रही है। ऐसी कंडीशन पर काफ़ी लोग डाइवर्ट हो रहे हैं प्राइवेट जॉब्स की तरफ। तो हम लोग पूरी बात कर लेते हैं। देखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। अगर आज की डेट में आपके पास में एक जॉब नहीं है, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर बनता जा रहा है, कमाने का एक प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है, तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यूपी में अभी एक रोजगार मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2018 में, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो इसके लिए रोजगार मेला है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी 1 भी रुपए नहीं, यानी कि 0 रुपीज़ इसका रजिस्ट्रेशन फीस है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में भर सकते हैं, यानी कि भरना तो सभी को है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फ्री की चीज़ें भरना जरूर चाहिए आप लोगों को, अगर आप सीरियस हैं करने के लिए। उसके बाद में देख लीजिए, 3 जनवरी से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 15 फरवरी तक डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको देखेंगे। 15 फरवरी तक इसको अप्लाई करने की आखिरी डेट है। हालांकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लास्ट डेट अलग है। अगर आप लिस्ट में चेक कर लीजिए आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ की डेट अलग होगी। ठीक, उसके बाद में देख लेते हैं कि आपका एज लिमिट इसमें क्या है। इस जॉब के लिए आपका कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, एज में आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है क्लास 5, ये देख सकते हैं। मिनिमम एज आपके क्वालिफिकेशन क्लास 5, और मैक्सिमम आप कितने भी ज़्यादा ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं हम लोग, सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकला हुआ है। जैसे गोरखपुर में देख लेते हैं, 31 जनवरी तक आखिरी डेट है और आपका 554 ID नंबर है। रायबरेली में 30 जनवरी लास्ट डेट है और 605 इसका ID नंबर है, ना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसी तरीके से बाराबंकी, ललितपुर, बस्ती, बदायूं, इटावा, देवरिया, अलीगढ़ और आगे देख लेते हैं, रामपुर, लखीमपुर, महोबा, उन्नाव, आगरा, महाराजपुर और सारे डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें ये एक्चुअली क्या होता है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। काफ़ी लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सर, ये एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। तो मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसमें यूपी की जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो लोग यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करते हैं। और चूंकि यहाँ पर आपको रोजगार मेले की तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप ये मन से वो चीज़ निकाल दीजिए कि ये बहुत ही अच्छी जॉब होगी। ये जॉब बहुत ही मीडियम लेवल की होगी, मतलब आपकी जॉब इसमें 8,000, 10,000, 12,000, बस इसी रेंज में आपकी जॉब मिलेगी। हालांकि एडवर्टीजमेंट में बड़ी बड़ी बातें लिखी होंगी कि आपको 1 लाख रुपए तक की जॉब यहाँ मिलेगी, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। आपको बहुत ही कम, यानी कि लगभग 8,000, 7,000, ज़्यादातर लोगों को 5,000, 6,000, 7,000, इसी रेंज में जॉब वहाँ पर ऑफर की जाती है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, देखो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग चलेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे, तो ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड आप लोग चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल सेवा योजना UP.NIC.IN करके आपकी एक वेबसाइट है, जिसमें आपका देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होती हैं। जो कंपनियाँ आपको जॉब ऑफर करेंगी, वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगी नियोजक में, और जो लोग, जिनको जॉब चाहिए, वो लोग यहाँ पर रजिस्टर कराएंगे जॉब सीकर वाले पोर्शन में। तो आप जॉब सीकर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे।
जैसे ही आप लोग अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, प्रोसेस इसका ये होता है कि आप अपनी डिटेल भेजेंगे, वो पहुँचेगी जिसके पास में, जो बंदा आपको जॉब प्रोवाइड कराएगा। मान लो एक यूपी की कोई प्राइवेट कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल चीज़ों से रिलेटेड है, तो आपने मान लीजिए आईटीआई कर रखा है, तो आप उनको रिक्वायरमेंट है आईटीआई होल्डर्स की, और आप वहाँ पर अप्लाई करोगे, तो वो एप्लीकेशन डायरेक्ट उनके पास में सेंड किया जाएगा। और अगर उन्हें आपका प्रोफाइल अच्छा लगेगा तो वो आपको एक रिवर्स मेल करेंगे, और जब आपके पास में कंफर्मेशन मेल आ जाएगा तब आपको फेयर के लिए बुलाया जाएगा, जो लोकेशन आपको दे रखी है। तो एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हैं, तो देख सकते ये जैसे ही देखिए हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, मासिक वेतन पर क्लिक करेंगे, तो देखो 10,000 से नीचे वाली जॉब भी है, 10-20 हज़ार तक की है, 30,000, 40, 50, 60, और मैक्सिमम लिमिट इसमें 2 लाख से ऊपर का भी शो कर रखा है, लेकिन ऐसी वास्तविकता नहीं होती है। और अगर आप सीरियसली आपने अच्छा ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी है, या आप बीटेक कर चुके हैं, या कोई और भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है, तो और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटल टाइम ऑफ वेस्ट होगा। और जो ज़रूरतमंद है, जिनको वाकई जॉब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके फैमिली की कंडीशंस अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को जॉब लेना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उससे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स, सारी न्यूज़ देता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।